नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, श्याम बहादुर सिंह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सुल्तानपुर के निवासी श्याम बहादुर सिंह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत बोले कि जो बच्चे हिंसा कर रहे हैं यह गलत है, इससे सरकारी संपत्ति नुकसान होगा, अर्थात जनता का पैसा नुकसान होगा। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल की बच्चों की नौकरी देकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर मोदी सरकार को सोचना चाहिए। फिर भाजपा सरकार के कुछ योजनाएं पर प्रसन्नता भी की। अपना एक पर्चे बता दीजिए। श्याम बहादुर सिंह पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया ग्राम सुल्तानपुर जी। आप विभिन्न पदों पर आप रहे, सामाजिक रवैया अध्यक्ष हैं, हम ये जानना चाहते हैं वरिष्ठ आप सम्मानित व्यक्ति भी हैं, और जो आज का दौर चल रहा है, जो अभी देख रहे दंगा, इसे किस रूप में आप देखते हैं? वर्तमान परिस्थिति में निश्चित रूप में हर क्षेत्र में गिरावट आया है, लेकिन आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जो 2 दिन से देखने को देश के अंतर्गत मिल रहा है, नौजवानों के अग्नि पथ वीर कहा जाता है ना, क्या कहा गया है, अग्नि पथ की भर्ती को लेकर युवाओं में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर तोड़फोड़ करना, यह गलत है। क्योंकि जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति न किसी विधायक की है न मंत्री की है, वो जनता के पैसों के द्वारा बनी हुई संपत्ति है, इसलिए जनता का ही नुकसान होता है। ठीक है, अगर आक्रोश है, बात सही है कि 4 वर्ष के लिए ही सेना में जो भर्ती करने का अग्निपथ बच्चों का निर्णय सरकार ने ली है, 4 वर्ष के बाद जैसा कि अभी आज पढ़े कि कई विभागों में 10% आरक्षण देने का वादा सरकार करती है, लेकिन चूंकि उन समयों की अवस्था, उम्र भी तो अधिक हो जाया करेगी, तो उस समय क्या व्यवस्था होगी। लेकिन यह मतलब नहीं है कि आप जो है अपना बात कहने के लिए उग्र प्रदर्शन करें, सरकारी संपत्ति को जलाने का काम करें, यह गलत है। आप जो है ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सारे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन यह जो कार्य जो है निंदनीय है कि आप जो है सरकारी संपत्ति का नुकसान करें। ये क्या ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, चाहे सरकार चाहे कोई भी, ये किसी विपक्ष का चाल है, उनके द्वारा सब किया जा रहा है? नहीं, यह तो मान लीजिए कि चूंकि आज की राजनीति इतनी घिनौनी राजनीति हो गई है कि प्रत्यारोप आरोप लगाना जो है सहज काम हो गया है, लेकिन चूंकि ये नौजवान हैं, अभी इनकी अवस्था कम है, 17 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष की अवस्था इन बच्चों की है, तो यह उकसाने की बात नहीं है। यह जो है स्वयं इनके अंतर्गत जो जज्बात पैदा हुआ है और उसके अनुसार जो है आक्रोश में आ गए हैं, लेकिन आक्रोश को शांत करने के लिए निश्चित रूप से सहन शक्ति होना चाहिए, उस पर जो है संयम बरतना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। योगी जी कुछ सम्मानित व्यक्तियों को आवाज देने की तैयारी कर रहे हैं, किसी लोगों को सम्मानित करके उत्साहवर्धन किया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए, आवाज की तैयारी कर रहे हैं लखनऊ में, जहाँ तक देखा गया आपका भी वहाँ नाम देखा गया, जैसे आपको भी सम्मानित करने की तैयारी में है, कई लोग विभिन्न जिलों से लोग सूचित कर उनको बुलाकर सम्मानित करने की तैयारी में है। नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है, चिंता मुझे जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो क्या द्वारा? अच्छी बात है, अच्छे लोगों को सम्मान, जैसे कि अभी अमृत सरोवर की बात चल रही है, हर जगह गाँव में जो है जो अमृत सरोवर एक पोखरा सरकार के द्वारा खोना जा रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जल संचय की प्रक्रिया जो है आने वाले दिनों में बड़ा दुर्दिन होगा जल के लिए। हमारे नेता जो रहे उस समय चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत पहले जब पदयात्रा किए थे उस समय कहा था कि देश के अंतर्गत नहीं, विश्व में जो है जल के लिए विश्व युद्ध होने की संभावना है आने वाले दिनों में। वह स्थिति आज दिखाई दे रही, लेकिन सरकार का सकारात्मक कदम है, और निश्चित रूप से अमृत सरोवर जो खोदे जा रहे हैं, यह गाँव में जल संचयन का एक बहुत बड़ा सुंदर उपाय है, और इनका नामकरण जो हो रहा है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हो रहा है, यह भी बहुत अच्छी चीज़ है। गाँव में तो बारात का भी जो भवन का भी ऐलान हुआ है। हाँ, बारात और शमशान अंत्येष्टि घाट, अच्छी बात है ये मतलब आपके द्वारा ये कहा जाए सरकार अच्छी इस पर पहल करे। हाँ, ये सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा पहल है और ऐसा होना चाहिए। बहुत जगह गांव में जो है ऐसे ऐसे छोटे पूर्वी गांव पड़े हुए हैं, जहाँ अगर बरसात हो जाता है उस समय बारात आती है तो बड़ा दिक्कत होता है, कई घरों में लोगों को ठहरना पड़ता है, तो इस तरह से एक व्यवस्था हो जाने पर जो है वह उस गाँव के लोगों के लिए अच्छी पहल होगी। पिछला कार्यकाल में बीत गया, दूसरे कार्यकाल भी आया, परंतु भर्ती के नाम पर 0 पाया गया। ये तो सच बात है, मान लीजिए कि उधर तो कोरोना का
भय दिखाकर या कोरोना था भी वास्तव में, जो है यह भर्ती की प्रक्रिया जो है रुक गई 2 साल या 3 साल कहिए, इस तरह से जो है कई बार जो है बच्चे तैयारी भी किए रुक गई, और जो आया भी जो कि 10 लाख नौकरी का वादा सरकार की है, तो इसमें ये व्यवधान जो इन बच्चों के अंतर्गत आ रही है कि हम लोगों का जीवन 4 वर्ष के बाद क्या होगा। नौजवानी का जीवन है तो सेना में बीत जाएगा, देश की रक्षा के लिए बीत जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे उसकी गारंटी लेना चाहते हैं। ये गारंटी लेना चाहते हैं कि हम बेकार नहीं होंगे, बेकार होने पर दिक्कत होगी क्योंकि ट्रेंड होंगे बच्चे, और ट्रेनिंग ट्रेंड होने के बाद जब बेकार होंगे तो सॉरी स्थिति समाज में विकट हो सकती है, इसलिए उनकी गारंटी देना चाहिए सरकार को कि आपको किसी न किसी रूप में सेवा में भर्ती कर लिया जाएगा ताकि वो संतुष्ट हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके तिरंगा के द्वारा? हम तो दोनों पक्ष से, जैसे बच्चों की बात होती है, जैसे कि लोगों ने आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसमें विपक्ष का भी चाल है, तो विपक्ष इसमें क्या कर सकता है, उकसाने की बात, उकसाने से तो होता नहीं, उकसाने से होता तो ये बात दिगर होती। यह कार्य सरकार को सोच समझ कर कैसे इन बच्चों को शांत करें, कैसे इन सबों को गारंटी की मुहैया दें जिससे ये जो अपने आप को उससे ढल सके, उसके अंतर्गत अब अपनी तैयारी करें उसमें भर्ती होने के लिए, क्योंकि ये सरकार का निर्णय ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से कि उसमें जो है पीछे सरकार जो है हटने वाली नहीं है, यह प्रक्रिया चालू रहेगी जो 4 वर्ष के लिए है। 10% छूट की जो है कई विभागों में आज पेपर में देखने को मिला, अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।